ट्राई करके देखिएगा कि साधु परमेष्टि के आहार जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक दुकान नहीं खोलेंगे। रोज की बिक्री गिनते जाइए, आज के 25,000, कल के 26,000, आज के 28,000। जिस दिन आपने ये संकल्प कर लिया कि साधु परमेष्टि के जब तक आहार नहीं होगा, आहार देने के बाद निराकुलता पूर्वक खुद भोजन करेंगे फिर दुकान खोलेंगे। 4 महीने की तो बात है, 4 महीने तक आप भी अगर साधु के साथ थोड़ा सा अपने व्यवसाय में भी रुक जाए, सुबह का धंधा दोपहर में निश्चित होगा। ऑडिट को चेक करिएगा, जैसे सट्टेबाज लोग होते हैं ना, सट्टेबाज वाले क्या करते हैं, एक पूरा पन्ना खोल लेते हैं, पिछले साल बुधवार को 9 नंबर लगा था, 10 लगा था, फिर वो पेंट चलती रहती है उनकी, 11 लगा था, फिर 23 लगा लें, रनिंग में इतना, ओपन में इतना, क्लोज में इतना, सब लगा लो, जितना हिसाब तुमको लगाना है तुम सब लगा लो, फिर उसके बाद भी तुम सट्टा पट्टी नंबर खेलते हो, हाँ सिलाई सुनना आता है, जैसे तुम सट्टे का हिसाब पूरा रखते हो, पिछले साल पिछले महीने सोमवार को ये, मंगलवार को ये, सुबह का ये, शाम का ये, ओपन में ये, क्लोज में ये, ऐसे कभी तुम ये भी सोचना कि पिछले साल चातुर्मास में हमारी दुकान कितनी चली थी, और इस साल जब गुरुदेव यहां पर चातुर्मास कर रहे हैं तब हमारी दुकान कितनी चल रही है, अपने आप पुण्य पाप की परिभाषाएं समझ में आ जाएंगी।